सुना है इंसान हमेशा अपनी बुरी यादों पे रुका रह जाता है, तो हमने भी सोचा चलो कुछ अच्छी यादें बटोर ली जाए। इसलिए हम निकल पड़े एक वीकेंड कैंपिंग ट्रिप पर। तो चलें, आपको भी अपने साथ ही ले चलते हैं। तो सफर शुरू हुआ जम्मू से एक्सट्रीम मोटर्स सैनिक, 8 राइडर वहाँ से निकले। एक हमारे भाई साहब शक्ति भैया, उनको हमने सिद्रा के पुल के पास से कैच किया, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब बचा एक आखिरी मुसाफिर। मैं कभी नहीं जानता था कि ये वही है जिसके साथ 2019 में एक राइड की। अब हमें बताया गया था कि वो नगरोटा पेट्रोल पंप पे वेट करें, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो गया और हमें उनका वेट करना पड़ा। लेकिन कोई नहीं, वेट किया, मज़ा आया। चलते चलते बज गए सुबह के 9:30। भूख सबको लगी थी, रुक गए एक ब्रेकफास्ट के लिए। और जम्मू वालों को अगर नाश्ते में कलाड़ी मिल जाए तो उससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। हमने नाश्ता किया और हम निकल पड़े आगे के सफर के लिए। हमारा आगे का सफर उधमपुर से रामनगर के बीच का, छोटी सी रोड, दोनों तरफ गेहूं के खेत, उसमें लहलहाती हुई सोने के जैसी गेहूं, और आगे भी राइडर्स, पीछे भी राइडर्स, सब एक दूसरे के ध्यान रखते हुए चले जा रहे हैं। और आप हमारे साथ ये आगे का व्यू एंजॉय कीजिए। बीच बीच में रास्ता थोड़ा ख़राब होता था, लेकिन एक तरफ दरिया, एक तरफ रास्ता, एक तरफ पहाड़, चलते चलते घुमावदार मोड़, आगे राइडर, पीछे राइडर, और जब ऐसा कोई पुराना लोहे का पुल आता मज़ा आ जाता। हम उधमपुर से लेकर रामनगर तक यूं ही एक दूसरे का ध्यान रखते हुए चलते रहे और चलते चलते पहुंच गए रामनगर। क्योंकि सबने नाश्ते में सिर्फ कलाड़ी और चाय ली थी, भूख सबको लग चुकी थी। रामनगर पहुंच के हमने सबसे पहले दोपहर का खाना खाया और उसके बाद हमने रामनगर से हमारी रात की कैंपिंग के लिए सारा सामान बटोरना शुरू किया। सामान बटोरते बटोरते 2-2.5 घंटे कैसे निकल गए हमें तो पता ही नहीं चला। रामनगर से जैसे ही हम अपनी मंजिल आरसी पीक की ओर बढ़े, बीच में कच्चे रास्ते ने हमारा धूम धड़ाके से स्वागत किया। पाउडर उड़ रहा था, सबका मेकअप हो गया। लेकिन जैसे ही हम आरसी पीक की टॉप पर पहुंचे, मौसम बदल चुका था और जो तापमान था वो 39 से 20-22 तक आ चुका। हमारा वहां जाना सफल रहा।
फिर रात के लिए टेंट लगाने की जगह ढूंढी गई और कैंपिंग शुरू हुई। कुछ लोगों को हमने पानी लेने के लिए भेज दिया था, बाकी आशियां बनाने में जुट गए। इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आगे के लिए आप अगला ब्लॉग जरूर देखें। इसमें रात की मस्ती और सुबह का सूरज दोनों एक साथ नजर आएंगे।